नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आचार्य जयदीप मिश्र। जैसा कि आपको पता है कि पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा चली आ रही है। इन दिनों ग्रहों की शांति के लिए दान पुण्य और पूजा पाठ किए जाते हैं, ताकि हम पर पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे। इस पितृपक्ष 13 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो कि 28 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 16 श्राद्ध किए जाएंगे। पितृपक्ष और पिंडदान के समय थोड़ी सी लापरवाही आपके पूरे दान पुण्य पर पानी फेर सकती है। आइए जानते हैं इस दौरान ध्यान रखने वाली कुछ ज़रूरी बातें कौन सी हैं। सबसे पहले तो किसी भी श्राद्ध में तर्पण करने के लिए तेल, जल, चावल, कुशा, गंगा जल आदि का प्रयोग करना आवश्यक है। परंतु केला, सफ़ेद पुष्प, उड़द, गाय का दूध एवं घी, खीर, स्वांग के चावल और जौ, मूंग, गन्ना आदि से किए गए श्राद्ध से पितर अति प्रसन्न होते हैं। तुलसी, आम और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं तथा सूर्य देवता को प्रातः अर्घ दें। चांदी के पात्रों का प्रयोग अति लाभदायक है। इसके अलावा जिस दिन किसी का श्राद्ध करना हो, उस दिन के पहले किसी विद्वान ब्राह्मण को बड़े आदर भाव से भोजन का निमंत्रण देना चाहिए तथा मध्याह्न काल में बढ़िया एवं मीठा भोजन खिलाकर ब्राह्मणों को दक्षिणा में फल आदि देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन पितृ गायत्री मंत्र ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यमेव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें और पितृ स्तोत्र का पाठ करना दक्षिणमुखी होकर बड़ा लाभदायक है। इस दिन कौवे, गाय और कुत्ते को ग्रास अवश्य डालें, क्योंकि इसके बिना श्राद्ध अधूरा ही रहता है। चींटियों को भी आटा, चावल, अन्न आदि डालना चाहिए। श्राद्ध में क्या न करें इन दिनों, शास्त्रानुसार मसूर की दाल, मटर, राजमा, कुल्थी, मटर की दाल, धतूरा एवं अलसी का प्रयोग वर्जित है। श्राद्ध पक्ष में दिन में सोना, शरीर पर तेल, साबुन, इत्र आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जरूरतमंद को खाली हाथ न भेजें। पितृ पक्ष में अगर कोई भी आपसे खाना या पीने का पानी मांगता है तो उसे कभी खाली हाथ न लौटाएं। मान्यता है कि हमारे पितर यानी पूर्वज अन्न जल के लिए किसी भी रूप में हमारे बीच आ सकते हैं। जानवरों को न मारें। किसी भी पक्षी या जानवर, खास तौर पर गाय, कुत्ता, बिल्ली, कौवे आदि को श्राद्ध पक्ष में नहीं मारना चाहिए। जानवरों की भी सेवा करनी चाहिए, उन्हें भोजन कराएं और पानी पिलाएं। मांसाहार और शराब का त्याग पितृपक्ष के दौरान खान पान बिल्कुल साधारण होना चाहिए। मांस, मछली, अंडे आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। भोजन बिल्कुल सादा होना चाहिए, यानी खाने में प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल न करें। शराब और किसी भी नशीली चीज़ों से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इन दिनों स्त्री पुरुष को संबंध बनाने से बचना चाहिए। परिवार में शांति बनाए रखें और भोग विलास की चीज़ों से बचें। इन दिनों आपका पूरा ध्यान सिर्फ पूर्वजों की सेवा में होना चाहिए। कोई नया काम न करें। कोई भी नया काम इन दिनों शुरू इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि श्राद्ध पक्ष में शोक व्यक्त करने का समय होता है। इसलिए इन दिनों में किसी भी जश्न एवं त्यौहार का आयोजन न करें। इसके अलावा कोई भी नया सामान खरीदने से भी बचें। यदि आवश्यक हो तो श्राद्ध पक्ष की अष्टमी के दिन, जिसे महालक्ष्मी के व्रत के नाम से जाना जाता है, उस दिन महालक्ष्मी का पूजन करें और आवश्यक वस्तुओं को आप खरीद सकते हैं। अधिक दिनों तक घर के अंदर श्राद्ध कर्म न होने से और निरंतर अपने माता पिता एवं पूज्यजनों को सम्मान न देने के कारण घर में पितृदोष उत्पन्न होता है, जिसके कारण घर में अशांति, पैसे का रुकना, आकस्मिक घटनाओं का घटना तथा संतान उत्पत्ति के अभाव, ये सारे पितृदोष के लक्षण हैं। तो ये थी बातें जिनका ध्यान करना श्राद्ध पक्ष में आवश्यक है। आपको श्राद्ध पक्ष से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करें, ज़रूर बताएं। इसके अलावा श्राद्ध से जुड़ी हुई कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी यदि आप जानना चाहते हों तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जानकारी
अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।